हेलो वन एंड ऑल, हाउ आर यू? सो दोस्तों, हम कई सारे आपकी तरफ से कमेंट देख रहे हैं और जैसे कि कुछ कमेंट्स ऐसे आई है कि सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन केस ऑफ द स्टेट बोर्ड सिलेबस ऑफ न्यू एंड ओल्ड, और साथ ही साथ में कि सिलेबस ऑफ नीट और सिलेबस ऑफ 11, 12 के बीच में क्या चेंजेस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हुए हैं, इनके बारे में हमें कुछ कमेंट्स आए हैं और वो कमेंट को हम मद्देनज़र रखते हुए हमने एक आज आपके लिए एक नया वीडियो प्रिपेयर किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जो आपके कमेंट्स है हमें कुछ तो भी चेंज करने का मौका देते हैं, और आपकी जो लाइक है वह हमें अंदर से बढ़ावा देते हैं कि नाउ यू आर डूइंग गुड फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो आज का हमारा सो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, न्यू सिलेबस एट अ ग्लांस एंड मैपिंग विथ JEE एंड नीट। सो सबसे पहले मैं चैतन्य ददगाड़े आपके सामने, वर्किंग विद द भांडेसर एकेडमी इन अमरावती। तो दोस्तों, चलो तो हम मूव करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो ये वाली स्लाइड मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए दिखाऊंगा ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो है मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कंपाइल किया है, जो कि आप फर्दर स्लाइड्स में आप देखेंगे। सो दीज आर द सिलेबस ऑफ 11, जैसे कि आप सबको पता है। सो पहला यूनिट है लिविंग वर्ल्ड है, सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमिलिया, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन है, प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमल टिश्यू, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप, उसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम कॉकरोच का। इसके बाद फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, स्केलेटन एंड मूवमेंट। तो चलिए इसका फटाक से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा स्लाइड, कंटेंट फ्रॉम द न्यू सिलेबस ऑफ 12th, जो हमारा नया सिलेबस रिसेंटली अपलोड हुआ है हमारे सोशल नेटवर्क के ऊपर, उसके अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, दूसरा है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, तीसरा है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चौथा है यहाँ पर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, प्लांट वाटर रिलेशन, देन प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, एंड लास्ट है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। तो दोस्तों, ये है हमारा न्यू सिलेबस ऑफ 12 स्टेट बोर्ड। सो अब तक जो हमने 2 सिलेबस देखे हैं दैट बिलोंग्स टू द स्टेट बोर्ड। तो इसी के साथ जो ये वाला जो सिलेबस है, ये आपको देखना तो नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि नीट से बिलोंग्स करता है, नीट वाला सिलेबस है। सो ऑल दी सिलेबस यू हैव, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये ओल्ड वाला एज इट इज़ है। इसके बाद इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। बाद में ये वाला जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर नीट इन 12 का सिलेबस है, तो इसका हम अभी थोड़ा मैपिंग करते हैं। व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन 11-12 स्टेट बोर्ड एंड 11-12 ऑफ नीट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपैरेटिवली देखते हैं नीट का और स्टेट बोर्ड के कंपैरिजन में, दोनों का सिलेबस में क्या अंतर आया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वाली स्लाइड यहाँ पर कंक्लूजन की बनाई है, कंक्लूजन के अंदर हम देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है दोनों स्लाइड्स के अंदर, मतलब दोनों सिलेबस के अंदर, और इसमें से हमें फ़ायदा क्या हुआ है, टोटा क्या हुआ है। जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ पार्ट हमारा यहाँ से रिमूव कर दिया है और कुछ पार्ट नया भी ऐड कर दिया है, तो वो हम भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नीट वाला सिलेबस और हम यहाँ पर स्टेट बोर्ड का सिलेबस से कंपेयर करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहला यूनिट यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड है, एज इट इज़ है।
सो सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे, किंगडम प्लांट ही है, एनिमल है, यहाँ तक सेम है। उसके बाद जो सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। उसके बाद प्लांट टिश्यू एनाटॉमी, सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी यहीं कहीं है, सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर है। उसके बाद एनिमल टिश्यू, सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर है। स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच, ये भी कहीं तो भी है यहाँ पर, जैसे कि हम सो एनाटॉमी ऑफ सो एनिमल किंगडम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फोटोसिंथेसिस एज इट इज यहाँ पर है, रेस्पिरेशन भी है यहाँ पर एज इट इज। देन ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें तो ह्यूमन न्यूट्रिशन यहाँ पर आएगा डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन के ऊपर। सो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन यहाँ पर है। उसके बाद स्केलेटन एंड मूवमेंट का जो यूनिट है यहाँ पर शायद ही इधर दिया हो, सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर स्केलेटन एंड मूवमेंट वाला। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, सो देखो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मतलब कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिया है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल जैसे कि यहाँ पर दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और कुछ लोअर एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। सो उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ऊपर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके बाद जो है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। और रहा बाकी जैसे प्लांट वाटर रिलेशन, ये भी हमने कहीं तो भी इसी के अंदर देख लिया था प्लांट वाटर रिलेशन, सो प्लांट वाटर रिलेशन यही कहीं हो सकता है। सो थोड़ा यहाँ पर जो साइज है ऑफ वर्डिंग इज क्वाइट यहाँ पर देखो प्लांट वाटर रिलेशन, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन ये वाला यूनिट है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, सो मिनरल न्यूट्रिशन यहाँ पर दिया है और जो प्लांट ग्रोथ वाला जो पार्ट है यही कहीं दिया है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये भी यूनिट यहाँ पर दिया है, चलो देखते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये यूनिट हमारा जो यूनिट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस ये कुछ अलग था और यहाँ पर कुछ अलग है, सो यहाँ पर कंबाइन कर दिया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर देखो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ पर हेल्थ एंड डिजीज है ये वाला यूनिट है। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये भी यहाँ पर दिया है, सो जैसे कि एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन ये भी यहाँ पर दिया है। सो बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी एक सिंपल में है, यहाँ पर दो यूनिट कर दिए हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड इट्स अप्लीकेशन, ऐसे दो यूनिट। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का भी यूनिट ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के नाम से दिया है और इकोसिस्टम के नाम से, सो इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो यही पर है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू, सो यहाँ पर दो यूनिट है, बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इशू। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारा का सारा यहाँ पर सिलेबस नीट के कंपैरेटिव में और यहाँ पर स्टेट बोर्ड के कंपैरेटिव में यहाँ पर डिस्कस किया है। दोनों में से तो हमें ये पता चल रहा है दोस्तों कि कोई आप अगर फिर से इसको घर में देख के एक बार लेकर बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी टॉपिक जो नीट के अंदर कवर करता है वह टॉपिक इसमें से मिसिंग नहीं है। तो इसका फायदा तो हमें यह होता है कि इसमें से कुछ भी टॉपिक नीट के सिलेबस में से मतलब नीट के सिलेबस को छोड़ा नहीं है, यहाँ पर सारा का सारा इस स्टेट बोर्ड के अंदर डाल दिया है। तो बेसिकली मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा दोस्तों, जो फ्रेंड्स जिनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं कि मैं नीट की पढ़ाई कैसे करूंगा या फिर उसके लिए मैं क्लासेस लगा नहीं सकता, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है यहाँ पर। इसके अलावा जो कुछ बच्चे होते हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं नीट के लिए, तो मैं उनके लिए गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि यहाँ पर इस सिलेबस के अंदर 60-65% ऑफ सिलेबस इस स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से आपका नीट वाला कवर हो जाएगा। सो दोस्तों ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, और जो नया यहाँ पर सिलेबस बनाया है दैट सिलेबस इज
काफ़ी इम्प्रूव किया है, और जैसे कि बच्चों की यहाँ पर मेंटेलिटी को मद्देनज़र रखते हुए अलॉन्ग विद जो CBSE का पैटर्न है और नीट का जो सिलेबस है वह कम्प्लीटली यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए इस नया जो सिलेबस है वह डिज़ाइन किया है। दोस्तों मैं तो यहाँ पर शुक्रिया अदा मानूंगा हमारी गवर्नमेंट का जो स्टेट बोर्ड का कि उन्होंने हमारे सामने ऐसा कुछ तो एक अच्छा सिलेबस हमारे सामने रखा है। तो इसके बाद हम चलते हैं स्टेट बोर्ड का। आप देखो इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है कि कुछ जो इसमें से कुछ एक दो यूनिट है जैसे कि एनिमल हस्बेंडरी है ये वाला यूनिट है। इसके अलावा इसमें से एक दो यूनिट जो है सिंपली शफलिंग किए हैं, मतलब वैसे यहाँ पर कितने हैं ये कम से कम ये 19 है और ये 15 है, 19 या 14 है, 14 प्लस 19 33 के आसपास होते हैं, और ये जो देखे जाए तो ये 16 प्लस 15 मतलब 31 यूनिट है। सो 31 33 दोनों आसपास ही है, मतलब कि अब पहले ओल्ड के इसमें 33 यूनिट थे और यहाँ पर 31 यूनिट है, इसका मतलब दो यूनिट आपको लगता होगा कि दो यूनिट ओल्ड सिलेबस में बस में से गायब कर दे है, नहीं लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो पुराना सिलेबस है उसको सेम रखा है, कोई चेंज नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये यूनिट निकाल डाला है, ये कम्प्लीटली निकाल डाला है। यहाँ पर जो एनिमल हस्बेंडरी का है इस पर थोड़ा डाउट है, मतलब कुछ पार्ट उसमें का हटा दिया है और कुछ पार्ट जो है इसी प्लांट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर थोड़ा ऐड कर दिया, तो इसका मतलब बात ये हुई है कोई किसी तरीके का ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन नाम भली वैसी हो। हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जो टॉपिक वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह काफी वास्ट कर दिया है, डिपनेस काफी इसकी बढ़ा दी है, मतलब आप साइज के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो एक जनरल है, साइज के ऊपर जाना नहीं है दोस्तों, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग अगर आप बुक्स की साइज देखेंगे तो जो ओल्ड 12 का बुक है वह छोटा है और जो नया वाला जो आया है वह काफी मोटा बन गया है। सो आई थिंक 347 पेजेस का वह बुक्स बन गया, लेकिन घबराइए मत दोस्तों, वो हमारी नीट पॉइंट ऑफ व्यू काफी काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से हमारे कई सारे नए टॉपिक्स यहां पर बन जाते हैं, नंबर ऑफ कंसेप्ट यहां पर हमारे बिल्ड हो जाते हैं। हाँ लेकिन हम डिटेल में स्टडी नहीं कर पाते, उसके लिए तो हमें CBSE के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें नीट वाला सिलेबस ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन एक हमारे लिए अच्छी बात है यहां पर कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है, मोस्ट ऑफ द यूनिट जो है नीट वाले यहां पर कवर हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है यहां पर कवर हो रहे हैं, जिसके लिए हमें फायदा यह होगा आगे चलकर कि हम घर बैठे, मतलब घर बैठे नहीं, सो मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट नाउ प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम्स। सो नाउ आई कम टू द कंक्लूजन, सो कंक्लूजन इज दैट सो नंबर ऑफ लेसन्स आर रिड्यूस टू 15 बट कंटेंट इज डबल। मैंने आपको पहले ही बता दिया है नंबर ऑफ लेसन जो है वह रिड्यूस कर दिए, मतलब कि पहले 33 थे अब कितने हैं 31 हो गए हैं, लेकिन कंटेंट क्या हो गया वह मात्र डबल हो गया है। कंटेंट साइज ऑफ कंटेंट विल इंक्रीजेस एंड विच इंक्रीजेस एज वेल एज साइज ऑफ डेप्थ इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीजेस। इसके अलावा मैं एक बार और फिर से आपको कहना चाहूँगा कि 60% ऑफ नीट सिलेबस जो कि आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से यहाँ पर कवर हो जाएगा आसानी से, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस स्टडी करते हैं 11th और 12th का स्टेट बोर्ड का, तो आपका 60% ऑफ नीट का सिलेबस यहीं पर कवर हो जाएगा इन द स्टेट बोर्ड। जैसे कि हम पहले कहते थे कि नीट के जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है 80% हम CBSE के बोर्ड में से CBSE के बुक्स में से कर पाते हैं, तो यहाँ पर CBSE के बोर्ड में से जो 80% होता था अभी स्टेट बोर्ड्स के बुक्स में से आपका 60% सिलेबस यहाँ पर कवर हो सकता है। इसके अलावा जो न्यू सिलेबस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8-9-10 फाउंडेशन एंड 11-12 CBSE बोर्ड। देखो दोस्तों मैंने इसके लिए इस सिलेबस का काफी डिटेल में स्टडी किया है, स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि आपका जो 8-9-10 फाउंडेशन हुआ है वह भी आपके लिए काफी अच्छे मायने रखता है, वह भी आपको काफी अच्छा नॉलेज यहां पर गेन करने का मौका देगा, क्योंकि जो
नया जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस आया है वह कंप्लीटली डिजाइन है दैट बेस्ड अपॉन द 8-9-10 फाउंडेशन। सो इसका मतलब यह है जब भी आप 8-9-10 पढ़ते हो तो ये मेरा वीडियो जो है नॉट ओनली फॉर यू, आपके घर में कोई बच्चा होगा जो 8-9-10 की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी आप बता सकते हो कि ये वीडियोज में से आपको क्या क्या नॉलेज मिल सकता है, क्योंकि जो आगे चलकर उस बच्चे के अगर फ्यूचर में कोई प्लानिंग डॉक्टरी के तरफ जाने का है तो वह इसके तरफ ध्यान दीजिएगा। 8-9-10 फाउंडेशन का जो सिलेबस है यहां पर मतलब उसी से कुछ जो पॉइंट है वह एक्सट्रैक्ट किए हैं, उसी में से कुछ पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये नया जो सिलेबस है उसके अंदर पुट अप किए हैं और ये नया वाला सिलेबस यहां पर डिजाइन किया गया है। सो अलोंग विद दैट 8-9-10 फाउंडेशन के अलोंग विद सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है 11-12 का एज इट इज उसमें से इसके अंदर मैटर डाला हुआ है। तो यह भी एक फायदा हो गया है कि जो सीबीएसई वाला जो सिलेबस है अब तक सीबीएसई बोर्ड का सीबीएसई में पढ़ाते थे वही सिलेबस अब टेक ओवर कर लिया है आई थिंक स्टेट बोर्ड वाले सिलेबस ने, बट द लेवल कीप लोअर दैन द सीबीएसई बोर्ड। ये हमारे लिए थोड़ा मतलब कि लेवल जो है सीबीएसई की उसके कंपैरेटिव में थोड़ी सी लेवल इसकी कम है, इसीलिए मैंने कहा है कि जो स्टेट बोर्ड वाला पार्ट है स्टेट बोर्ड वाला सिलेबस है हमें 60% तक नीट के पास लेके जाएगा, सीबीएसई 80% तक लेके जाएगा और कंप्लीटली नीट के जो बाकी अदर मटेरियल्स है उसके मिलकर 100% हो सकता है। इसके अलावा स्टेट बोर्ड स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम। जैसे कि मैंने बताया कि जो नया सिलेबस मॉडिफाई हुआ है वो हमें कंप्लीटली नीट के ओर लेके जा सकता है, तो आपको ये जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है तो यहाँ पर आपको जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट है दैट कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्स जस्ट एक ट्रायल बेसिस, ना भी हो आपकी इच्छा नीट की प्रिपरेशन की फिर भी आप इस सिलेबस का आप अगर स्टडी करते हैं तो इस सिलेबस के ऊपर आप नीट की एग्जाम्स दे सकते हैं, मतलब आपको डॉक्टरी के ओर लेके जाने के लिए ये एक हेल्पफुल हो सकती है। सो नंबर ऑफ टॉपिक इंक्रीज किए गए हैं, टॉपिक का नंबर बढ़ा दिया गया है, आप अगर सिंपल एक यूनिट भी देखेंगे तो उसके कई नंबर ऑफ टॉपिक्स उसके अंदर कंसेप्ट का नंबर ऑफ कंसेप्ट इंक्रीज किए गए हैं। इसके अलावा सिलेबस ऑफ 12th बिकम मोर डीप इन कंटेंट एंड मैटर, जो कंटेंट है मैटर है उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा डीप में लेके गए हैं, काफी ज्यादा डीप नॉलेज आपको देने की यहां पर कोशिश यहां पर एक स्टेट बोर्ड के सिलेबस के थ्रू की गई है। तो दोस्तों शायद ही मेरा यह आपको वीडियो पसंद आया होगा यहां पर, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से और अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने पूरा सिलेबस का यहां पर स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पूरा का पूरा मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको सही में लाइक मतलब पसंद आता है तो एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ आपको लगता है कि ये मिसिंग है या ये मिसिंग है कुछ चीजें मिसिंग है इसके अंदर तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा। अगर किसी को नई लाइक नहीं भी करना हो तो या डिसलाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका डिसलाइक हमें मोटिवेट करता है और आपका लाइक आपका डिसलाइक हमें कुछ और अच्छा करने की एक सहानुभूति देता है, इसके अलावा आपका एक लाइक हमें कुछ अच्छा करने की भी हिम्मत देता है। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल तो ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ सके। सो दोस्तों यहां पर मैं हमारा वीडियो यहां पर खत्म करने जा रहा हूं, तब तक के लिए टाटा बाय। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।